हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के अपाचे H-64 गार्डियन हेलीकॉप्टर्स और म्यांमार के MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, और इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के बीच में कौन सा हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छा है वो भी जानेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अमेरिका का बना हुआ अपाचे H-64 गार्डियन हेलीकॉप्टर एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है और इसको करेंटली दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। और दूसरी तरफ रशिया का बनाया हुआ ये MI-35 हेलीकॉप्टर भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको म्यांमार एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स भी अमेरिका से 8 अपाचे H-64 गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने जा रही है, और इसके ऊपर हमने हमारे चैनल में एक वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, अगर कभी बांग्लादेश के अपाचे के सामने म्यांमार का MI-35 आ जाए और दोनों के बीच में एक हेड ऑन कॉम्बैट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और कौन सा हेलीकॉप्टर इस कॉम्बैट में जीत सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोनों हेलीकॉप्टर्स के ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दोस्तों, अपाचे का क्रू मेंबर है दो, यानी कि दो ही इंसान अपाचे में बैठ सकता है जिसमें से एक है पायलट और दूसरा है को पायलट या फिर गनर। और अगर दूसरी तरफ MI-35 की बात करते हैं तो इसमें दो से तीन पायलट बैठ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ट्रूप कैपेसिटी के ऊपर। तो दोस्तों, MI-35 यहां पर अपाचे से थोड़ा आगे है क्योंकि MI-35 में 8 सोल्जर या फिर 4 स्ट्रेचर या फिर 2400 केजी कार्गो को एक्सटर्नल सिलिंग के तौर पर कैरी किया जा सकता है, लेकिन अपाचे में पायलट्स के अलावा कोई भी ट्रूप्स को कैरी किया नहीं जा सकता है क्योंकि अपाचे एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है। अब अगर लेंथ की बात करते हैं तो अपाचे का लेंथ है 58 फीट 2 इंच और दूसरी तरफ MI-35 का लेंथ है 17.5 मीटर यानी कि 57 फीट 5 इंच। अपाचे में इंजन के तौर पर दो जनरल इलेक्ट्रिक का बनाया हुआ T700GE701 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो तकरीबन 1260 किलोवाट थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। और दूसरी तरफ MI-35 में इंजन के तौर पर दो आइसोटॉप TV3117 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो तकरीबन 1600 किलोवाट थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है, यानी कि MI-35 में टोटल 3200 किलोवाट थ्रस्ट को जनरेट किया जा सकता है, जहां पर अपाचे में टोटल 2520 किलोवाट थ्रस्ट जनरेट किया जा सकता है। तो इसी बात से आप देख सकते हो कि ये दोनों अटैक हेलीकॉप्टर ही ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर से, यानी कि दोनों हेलीकॉप्टर्स में ही दो इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और अगर टोटल थ्रस्ट जनरेट की बात करें तो यहां पर MI-35 अपाचे से थोड़ा आगे है क्योंकि MI-35 अपने साथ ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है, लेकिन अपाचे अपने साथ कोई ट्रूप्स को कैरी नहीं करता है क्योंकि ये एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है। तो इसी बात से आप देख सकते हो कि अपाचे में टोटल थ्रस्ट MI-35 से क्यों कम है। अब अगर मैक्स टेक ऑफ वेट की बात करते हैं तो अपाचे का मैक्स टेक ऑफ वेट है 10,433 केजी और MI-35 का मैक्स टेक ऑफ वेट है 12,000 केजी। तो यहाँ पर आप एक चीज वो डिटेल में समझो कि MI-35 में ज्यादा थ्रस्ट होने के बावजूद भी इसका मैक्स टेक ऑफ वेट अपाचे से कम है। अब अगर विंग स्पैन की बात करते हैं तो MI-35 का विंग स्पैन है 21 फीट 4 इंच। अब अगर हाइट की बात करते हैं तो अपाचे का हाइट है 12 फीट 8 इंच और MI-35 का हाइट है 21 फीट 4 इंच। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की। दोस्तों, अगर दोनों हेलीकॉप्टर्स की मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो अपाचे का मैक्सिमम स्पीड है 293 किलोमीटर पर आवर और MI-35 का मैक्सिमम स्पीड है 335 किलोमीटर पर आवर। तो इस बात से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम स्पीड के मामले में MI-35 थोड़ा सा आगे है अपाचे के मुकाबले, लेकिन कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर के लिए मैक्सिमम स्पीड उतना ज्यादा मैटर नहीं रखता है और अपाचे का मैक्सिमम स्पीड MI-35 से थोड़ा सा ही कम है। अब अगर रेंज की बात करते हैं तो अपाचे का रेंज है 476 किलोमीटर और MI-35 का रेंज है 450 किलोमीटर। कॉम्बैट रेंज है अपाचे का 480 किलोमीटर और MI-35 का कॉम्बैट रेंज है 410 किलोमीटर। अब अगर सर्विस सीलिंग की बात करते हैं तो अपाचे का सर्विस सीलिंग है 6400 फीट, वहीं पे MI-35 का सर्विस सीलिंग है 16100 फीट। अब बात करेंगे असली चीज के ऊपर, यानी कि आर्मामेंट के ऊपर। दोस्तों, किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर का परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होता है जितना बेहतर उसका आर्मामेंट होता है, यानी कि कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर कितना ज्यादा अच्छा है वो उस हेलीकॉप्टर का आर्मामेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आर्मामेंट की बात करें तो मैं पहले ही बता दूं कि अपाचे MI-35 से काफी ज्यादा आगे है क्योंकि अपाचे अपने साथ अमेरिकन वेपन्स के साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन और वेस्टर्न मिसाइल्स और बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, बहुत सारे यूरोपियन मिसाइल्स और रॉकेट्स को भी कैरी कर सकता है, जहां पर MI-35 सिर्फ रशियन मिसाइल्स और रॉकेट्स को कैरी करने में सक्षम है। तो इसी बात से आप देख सकते हो कि अपाचे में एक वाइड रेंज का आर्मामेंट को
इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मर्जी के ऊपर। और अगर बांग्लादेश एयरफोर्स एपाची को खरीदता है तो यूरोपियन और अमेरिका दोनों तरह के मिसाइल्स और रॉकेट्स को ही इस्तेमाल कर सकता है। और आर्मामेंट्स के अंदर अगर प्राइमरी गन की बात करते हैं तो एपाची में जो प्राइमरी गन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है M230 चेन गन, जो एक साथ 1200 राउंड बुलेट को फायर कर सकता है। और वही पे म्यांमार का जो MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर से उसमें जो फ्रंट ट्रिपल बैरल या फिर डबल बैरल मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है वो इंस्टॉल नहीं किया गया है, क्योंकि म्यांमार का MI-35 हेलीकॉप्टर एंटी आर्मर्ड ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। म्यांमार ने इस अटैक हेलीकॉप्टर्स को रशिया से सिर्फ अपने देश के विद्रोही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था, और इसीलिए म्यांमार के MI-35 में प्राइमरी गन के तौर पर एक ट्विन बैरल प्राइमरी गन लगाया गया है, जो कि फ्रंट में नहीं साइड के एक पॉट में लगाया गया है। अब हम एक एक करके अपाचे के सारे आर्मामेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अपाचे में टोटल 4 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आप बहुत सारे रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों मिसाइल के तौर पर अपाचे में दुनिया का सबसे एडवांस्ड AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी आर्मर्ड या फिर एंटी टैंक मिसाइल है। और एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर इसमें AIM-92 स्टिंगर और स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब अगर रॉकेट्स की बात करते हैं तो अपाचे में HYDRA-70, CRV-70 और APKWS-70 एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारे रॉकेट्स फायर एंड फॉरगेट रॉकेट्स है। और दोस्तों HYDRA-70, CRV-70 और APKWS ये सारे 70mm के रॉकेट्स है। और मैंने जिस AGM-114 हेलफायर मिसाइल का बात किया था वो एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी कि कोई भी टारगेट को ढूंढ निकालने के बाद अगर उस टारगेट के ऊपर इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो सही तरह से टारगेट को हिट करने के लिए इस मिसाइल को पायलट के द्वारा गार्ड करने की जरूरत नहीं है, ये मिसाइल खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ निकाल के डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। अब अगर MI-35 के आर्मामेंट्स की बात करते हैं तो इसमें विंग टिप पाइलॉन्स में 9M-17 फिलेंगा और 9K-114 स्टेरम कॉम्प्लेक्स मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉम्ब्स के तौर पर MI-35 में MBD मल्टीपल इजेक्टर ट्रैक्स और KGM-UTV माइन डिस्पेंसर पॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर रॉकेट्स की बात करते हैं तो MI-35 में UB-32S5 रॉकेट और S-24 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक 240mm का रॉकेट है, और इसके साथ साथ 9M-17 फ्लाइटा और GSH-23L रॉकेट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर मैं ये रॉकेट्स के बारे में बात करता हूँ तो ये सारे ही रॉकेट्स रशियन रॉकेट्स है, और इनमें से तकरीबन सभी बहुत पुराने जेनरेशन के रॉकेट्स है और अपने टारगेट को ढूंढ निकालने के लिए काफी पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और MI-35 में जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है ये सारे मिसाइल अपने टारगेट्स को खुद से ढूंढ निकालने में सक्षम नहीं है, यानी कि इस मिसाइल्स को टारगेट के ऊपर फायर करने के बाद पायलट के द्वारा गाइड किया जाता है। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हो कि अपाचे का आर्मामेंट MI-35 से काफी ज्यादा अच्छा है, और इसीलिए आप कह सकते हो कि अपाचे के सामने MI-35 का ही नहीं ठहरता। और अगर दोनों में एक हेड ऑन वॉर होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपाचे बहुत ही आसानी से MI-35 को शूट डाउन कर सकता है, अगर दोनों हेलीकॉप्टर में ही थोड़ा सा स्किल्ड पायलट बैठा है तो। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपाचे का एक बहुत ही यूनिक फीचर के बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर अपने साथ कोई भी ऑपरेशन में ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकता है, और उन ड्रोन्स के द्वारा अपाचे मल्टीपल टारगेट को ढूंढ निकल कर ट्रैक कर सकता है, और उन ड्रोन्स के द्वारा भेजा गया इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज भी कर सकता है, और ये फीचर MI-35 में अवेलेबल नहीं है। अब अगर अवॉइडेंस की बात करते हैं तो अपाचे में बहुत सारे बेहतरीन रडार्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम मैं एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों अपाचे में APG-78, ASQ-170 लेजर स्पॉट ट्रैकर, AAR-57 कॉमन मिसाइल वार्निंग सिस्टम, LWS यानी कि लेजर वार्निंग सिस्टम के साथ साथ ICMD सिस्टम यानी कि इंफ्रारेड काउंटर मेजर डिस्पेंसर, MUMT सेंसर यानी कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सेंसर, EDECU रडार जिसका पूरा नाम है एनहांस्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, RWR यानी कि रडार वार्निंग रिसीवर टू डिटेक्ट रेडियो एमिशंस ऑफ रडार सिस्टम, यानी कि अगर अपाचे को कोई भी ग्राउंड बेस्ड रडार डिटेक्ट करता है तो उसका एक तुरंत वार्निंग अपाचे में बैठा हुआ पायलट को मिल जाता है इस सिस्टम के चलते। और इसके बाद CDAS यानी कि कॉग्निटिव डिसीजन एडेनिंग सिस्टम, जो कि अपाचे में बैठा हुआ पायलट को अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, और ये रडार सारे टोपोग्राफिकल और टेक्टिकल डेटा को डिस्प्ले करने के साथ साथ ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन भी देता है। इस रडार को ज्यादातर रात में ऑपरेशन को अंजाम देने में इस्तेमाल किया जाता है, और GPS सिस्टम के तौर पर इसमें एम्बेडेड GPS सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर MI-35 की अवॉर्निंग्स की बात करते हैं तो इसमें रडार के तौर पर OPS-24 एंड सर्विलेंस एंड साइटनिंग स्टेशन, एक टेलीविजन चैनल, एक GPS गाइडेड नेविगेशन सिस्टम और एक ऑप्शनल नॉन रशियन रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों MI-35 में कोई भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि अपाचे में पायलट्स को हेल्प करने के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो अपाचे में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन MI-35 में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवॉइडेंस की भी बात
करते हो तो अपाचे MI-35 से काफी ज्यादा अच्छा हेलीकॉप्टर है, और सिर्फ MI-35 से ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर से भी अपाचे का एवोनिक्स काफी ज्यादा अच्छा है। तो इन्हीं सारे बातों से आप देख सकते हो कि अपाचे MI-35 से ओवरऑल एक काफी ज्यादा अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर है, और इसीलिए बांग्लादेश एयरफोर्स ने अपाचे A64 हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया था कीमत ज्यादा होने के बाद भी। तो इन दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स के बीच में, तो अगर आप मेरे ओपिनियन को जानना चाहते हो तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स में अपाचे MI-35 से काफी ज्यादा अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर है, और अपाचे के सामने MI-35 कहीं नहीं ठहरता इन टर्म्स ऑफ क्लोज कॉम्बैट या फिर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट। और अगर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस की भी बात करते हैं तो अपाचे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा MI-35 के मुकाबले में, क्योंकि अपाचे में जो एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि AGM-114 हेलफायर मिसाइल, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी टैंक मिसाइल है, जबकि MI-35 में जो एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपाचे और MI-35 के बीच में कौन सा हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छा है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।